माधिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लस व मसबा से आने वाले कुछ सवालों का प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का पहला सवाल ये रहा, क्या 13 से विभाजित होने वाली वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8, 10 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। ऐसा सवाल आएगा तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये तीनों का लसागु निकालेंगे। ये हमारा भाग विधि द्वारा लसागु निकल गया, हमें जब गुना करेंगे तो लसागु प्राप्त हो जाएगा। तो गुना कर लेते हैं, 5 15, 15 दुनी का 30, 30 दुनी का 60, 60 दुनी का 120, तो हमारा लसागु आ गया। अब क्या करना है? अब ऐसा संख्या बनाना है इसको जो कि 13 से कटे, लेकिन शेष क्या बचे? 7। किससे कटने भाग देने पर? 8, 10, 12। तो क्या करेंगे हम, 120 में ऐसा संख्या होना चाहिए जो कि से कोई भी संख्या से गुना करने से 13 से कटने वाला आना चाहिए। तो कोई संख्या मांग लेते हैं और उसमें 7 जोड़ते हैं, तो ऐसा संख्या हो गया, मान लेते हैं कि ये संख्या जो है 120 के प्लस 7 13 से कट जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये 13 से कटने वाला संख्या है, तो हम इसे के का मान कैसे निकालेंगे? तो हमें पहले 120 को ऐसे तोड़ना पड़ेगा जो कि एक 13 से कटने वाला हो। 120 कैसे तोड़ सकते हैं? 117 या 130 भी कर सकते हैं इसको, मैं यहाँ 117 कर दे रहा हूँ। 117 13 से कटेगा, मतलब 117 के 13 से कटने वाला संख्या है, प्लस कितना बचा? 3 के प्लस 7। ये पूरा संख्या जब 13 से कट रहा था उसमें से 117 के 13 से कटने वाला है, इसका मतलब 3 के प्लस 7 भी 13 से कटेगा या 13 होगा, तब इसको 13 बना सकते हैं। बराबर 13, तभी ये पूरा कटेगा 13 से। तो यहाँ से के का मान निकाल सकते हैं, के का मान क्या आएगा? 13 घटाओ 7 बटा में 3। 13 से 7 जाएगा तो 6 3 बराबर कितना हो गया? 2। के का मान 2, के का मान यहाँ 2 बैठा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 120 के की जगह क्या लिखना है? 2। 120 दूनी कितना होता है? 240 प्लस 7, मतलब 247। 247 ऐसा संख्या है जिसमें 13 से भाग देने पर कुछ भी नहीं बचेगा, लेकिन 8, 10 और 12 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? तो हमारा पहला सवाल बन गया। अब हम दूसरा सवाल बनाते हैं। दूसरा सवाल क्या है? वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1785, 1995 तथा 2415 को पूरा पूरा विभाजित करे। इसका मतलब इसका क्या निकालना है हमको? मसप। तो हम इसका मसप निकाल लेते हैं। कितना बार जाएगा? एक बार। घटा देते हैं, 210। अब कितना बार जाएगा? 8 बार। कितना बचा? 105। कितना बार जाएगा? 2 बार। अब 105 इस से किसको करना पड़ेगा भाग? इसको कर देते हैं, बढ़ जाएगा 105। तो हमारा मसप आया कितना? 105। इसका मतलब हमारा उत्तर क्या है? 105। ठीक है, उसके बाद वाला सवाल देखते हैं। बोले दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात कितना है? 3 और 4। उनके मसप तथा लसा गुना कितना दिया हुआ है? 20,000
मतलब 2028, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा ये निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, जब अनुपात दिया है संख्या का अनुपात, हम संख्या मान सकते हैं क्या 3x और 4x, जिसके हिसाब से इनका लसप क्या हो जाएगा 12x, और मौसा क्या हो जाएगा x बराबर क्या दिया हुआ है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लसा गुने मौसम। अब इसके हिसाब से भी निकाल सकते हैं, इसके हिसाब से भी निकाल सकते हैं, फिर वहाँ से हम एक्स का मान निकाल लेंगे। चलिए मैं इसके हिसाब से बनाता हूँ, काट देते हैं पहले 4 5 20, 4 7 28, फिर 3 से काट देते हैं, 3 कम 3 बचा 2, 3 6 18, 3 9 27, एक्स स्क्वायर बराबर 169, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 30। मतलब इसमें एक्स से गुना कर देंगे तो पहली संख्या आ जाएगा, एक्स इसमें एक्स से गुना कर देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगा, 13 3 इसमें गुना कर देते हैं ये पहली संख्या हो गया, और 4 से 13 में गुना कर देते हैं तो हो जाएगा दूसरी संख्या, पहली संख्या हो गया 39, दूसरी संख्या हो गया 452। ये बन गया हमारा दूसरा सवाल। अब आते हैं हम तीसरे सवाल, हमारा तीसरा सवाल है कि बोला है कि यदि 9वीं कक्षा में छात्रों की 6 8 12 या 16 पंक्तियां बनाई जा सकती है, बनाई जाती है, तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है, तो बताइए कि उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी हो सकती है, क्या बना सकते हैं छात्र 6 8 12 या 16 पंक्तियां बनाती है। मतलब इसे क्या निकालना है हमारा, लसप निकाल दो, लसप या लसप छोटे तरीके से निकालते हैं, क्योंकि देखिए सब ऐसी संख्या है जो एक दूसरे से कटने वाले लग रही है लगभग, जैसे 6 से 1 कट जाता है, 8 से 1 कट जाता है, कट जाता है, तो हम 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे और इसको काटने की कोशिश करेंगे। 16 32, 12 से नहीं कटेगा, इससे कट जाएगा, इससे नहीं कटेगा, तो बताइए 48, 48 इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, यानी कि लसप क्या हो गया 48। आप ऐसे भी निकाल कर देख सकते हो, 2 3 6 2 4 8, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से 3, 2 3 4, 3 1 3 2 1 2, गुना करते हैं 6 6 12 12, 24 24 दूनी 48, यार सही है। अब बोला है कि कितने छात्र हो सकते हैं, तो छात्र कितने हो सकते हैं, 48 हो सकता है, या फिर 48 का कोई गुणज, मतलब 48 के टेबल में जो आने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम अगला सवाल देखते हैं। यहाँ बोला है 3 घंटियाँ हैं जो 11 बजे सुबह एक साथ बजती हैं, और वे तीनों क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती है, तो बताइए कि दोबारा कितना बजे बजेगी। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 20 30 और 40 हमें पता लगाना पड़ेगा, एक साथ घंटियाँ कितने घंटे बाद बजती है या कितने मिनट बाद बजती है, तो उसके लिए मेरे को इन तीनों का लसप निकालना पड़ेगा। इसका हम लसप निकाल लेते हैं, 2 से क्या 10 15 20, 5 15 10, 5 से 1 3 2 हो गया, तो लसप क्या हुआ, गुना कर देते हैं, 10 10 चाहिए 30, 30 दूनी का 60, 60 दूनी का 120, मतलब 120 मिनट बाद 1 घंटिया फिर बजे एक साथ बजती है, 120 मिनट मतलब क्या हो गया 2 घंटा, मतलब 11 बजे बजा है घंटी, तो कितना बजे बाद बजेगी, 2 घंटे बाद मतलब 1 बजे। दोबारा बजेगी, ठीक है। अब दूसरा सवाल देखते हैं, यहाँ बोला है 68 मीटर लंबाई तथा एक 51 मीटर चौड़ाई वाले एक हॉल के फर्श को आच्छादित करने के लिए, मतलब फर्शिंग जो करते हैं लगाते हैं उसको, हॉल फर्श में टाइल्स बिछाना, कुछ आच्छादित मतलब बिछाना होता है, करने के लिए कम से कम
कितने वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी, इसको कैसे निकालेंगे, कितने टाइल्स चाहिए। तो ऐसे सवाल जब भी रहेगा इसका मतलब क्या, सबसे बड़ा कुछ चाहिए ना, तभी टाइल्स की संख्या निकल सकते हैं। तो बड़ा तो मतलब क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का हमें मसाफा निकालना पड़ेगा। तो हम इसका मसाफा निकाल देते हैं, एक बार जाएगा 51 7, ठीक है, मतलब मसाफा क्या आया हमारा 17। अब टाइल्स जो बिछाएंगे तो वर्गाकार होगा, इसका मतलब टाइल्स का क्षेत्रफल क्या होगा और फर्श का क्षेत्रफल से, इसको अगर फर्श का क्षेत्र में टाइल्स का क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो हमें टाइल्स की संख्या आ जाएगी। ये रहा फर्श का क्षेत्रफल, ये रहा टाइल्स का क्षेत्रफल, भाग देते हैं तो आया कितना 12। मतलब हमें कितनी टाइल्स लगेगी, 12 टाइल्स लगेगी, जिसका क्षेत्रफल और लंबाई चौड़ाई कितना होगी 17। दूसरा सवाल बोला है, सैनिकों जिन्हें बराबर बराबर वाली 12, 15, 18 पंक्तियों पर खड़ा किया जा सकता है एवं ठोस वर्ग रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है, तो उनकी कम से कम संख्या क्या होगी, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे। पहले तो बोला है कि 12, 15 और 18 के रूप पंक्ति के रूप में खड़ा किया जा सकता है, इसका मतलब इन तीनों का लसफा निकालना पड़ेगा। निकाल लिया हमने, गुना कर देंगे लसफा आ जाएगा, यहाँ दो दो बार है, तीन दो बार है और पांच एक बार है, ठीक है, ये तो आ गया लसफा। मैंने गुना नहीं किया है, अभी गुना कर लूँगा बाद में, पहले इसको देखते हैं आगे क्या बोला है। यहाँ बोला है कि वर्ग के रूप में खड़ा करना है, ये तो वर्ग दो दो बार, वर्ग सभी दो बार होने होंगे तभी स्क्वायर बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर। ये दो बार है, तीन दो बार है, ये दो बार नहीं है, तो इसको पाँच, अब इनका गुना कर देंगे तो जो आएगा वो हमारा आंसर। तो गुना करते हैं, 50 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 तिया 300, 300 तिया 900। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 900। मतलब सैनिकों की संख्या कितनी है, 900, जिन्हें 12, 15, 18 पंक्तियों में खड़ा किया जा सकता है और वर्ग के रूप में खड़ा किया जा सकता है, ठीक है, धन्यवाद। अब अगले वीडियो अगले सवाल को देखते हैं। ये सवाल है, इसमें बोला है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका उच्चतम समापवर्तक 4 है, उच्चतम समापवर्तक मतलब आपका मसप 4 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, मतलब लसफा निकालना है, तो इसको कैसे बनाएंगे। देखिए ये अनुपात दिया हुआ है संख्याओं का, तो हम 4 से अगर हम ऐसे करें 3x और 4x हम संख्या मान सकते हैं, इनका लसफा क्या होगा कैसे पता चलेगा, लसफा बराबर क्या हो जाएगा, फिर अगर लसा और मसा के नियम के संबंध के हिसाब से निकाले तो मसा गुना लसा बराबर क्या होता है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, इसमें पहली संख्या दूसरी संख्या और मसा दिया हुआ है तो लसा निकाल सकते हैं। तो इसके हिसाब से मसा क्या आता है हमारा x, x बराबर कितना दिया हुआ है 4, इसका मतलब क्या होगा, 3 × 4 पहली संख्या, 4 × 4 दूसरी संख्या, और मसा क्या है 4, 4 से 4 काट देंगे, इसे गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा लसा, गुना कर देते हैं, कहते 12 12 चुके, और दूसरे नियम से बनाए तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं 3x, अगर अनुपात दिया हुआ है मसा दो मसा क्या होता है दोनों में होता है, इसका मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या निकाल सकते हैं, तो पहली संख्या क्या आएगा 3 चौके 12 और दूसरी संख्या क्या आएगा 16। अब इनका लसफा निकाल दो, 16 16 48, 12 से 48 कट जाएगा, इसका मतलब 48 लसफा, या फिर 12 और 16 का भाग द्वारा लसफा निकाल लो, 2 चौके 12 2 16, 3 6 2 चौके 8, गुना कर देंगे 3 चौके 12 12 24 24 नहीं, ठीक है।
ये बन गया हमारा सवाल। अब दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए, अब इस सवाल में क्या करना है हमें, भिन्नों का लसफा निकालना है। तो भिन्नों का लसफा का फॉर्मूला क्या होता है, अंशों का लसफा और हरों का मसफा। तो अंशों का लसफा निकाल लेते हैं। गुना कर देंगे, 10 निकल 20 आ गया हमारा लसफा, और इसका मसफा निकालना पड़ेगा 3 9 6 का मसफा। अब देखिए, 3 से 3 कटता है, 3 से 9 भी कटता है और 6 भी कटता है, मतलब मसफा क्या होगा, 3। नहीं तो मैं से निकाल के दिखा देता हूँ, 3 2 6 कट गया, 3 3 9 ये भी कट गया, मतलब हमारा मसफा क्या है, 3। तो भिन्नों का मसफा क्या हो जाएगा, 3 20/3 ये हमारा उत्तर। तो हमारा सारा सवाल बन गया आज का। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।